गाड़ी हमें सड़क पे ही पार्क करनी पड़ी क्योंकि किसी बहुत ही जनरस पड़ोसी ने इस ताले के अंदर एलसी डाल दी और ये ताला फ्रीज हो गया। एलसी देख कितनी भर रखी। हेलो गाइस, तो आज का व्लॉग मैं तो अपनी तरफ से बहुत लेट शुरू कर रहा हूँ। बाकी किंग्स का मुझे पता नहीं उन्होंने करा होगा अभी स्टार्ट या नहीं, पर कल तो मैं बहुत थक गया था। फिर बहुत हाइप बनाई हमने, फिर बहुत देर से व्लॉग आया था जो वाला, तो बहुत देर बाद कैमरा उठाया। हाँ, मशीन चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं। मामा गया हूँ वैसे, मम्मी के साथ अभी मामा गया है, तो सोचा मैं कैमरा उठा लूँ यार, थोड़ा बहुत कुछ दिखाई दूँ। दिन में कपड़े धो दूंगा, दिखा दूंगा मैं वो कितने भी ऊंचाइयों पर गया हूँ, लेकिन आज बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। यहाँ छत पे ये अभी का रूम है जो कि मैं बहुत बार व्लॉग में दिखाया है, जेपी में पड़ता है जो। अब उसका रूम दिखा रहा हूँ तुम्हें, कितना सॉर्टेड है। बेड, एक अलमारी, एसी, टीवी और PS4। और इंसान को क्या चाहिए जिंदगी में। इस PS4 पे इतने गेम खेल ले हमने, इतने ज्यादा गेम खेल ले। शुरू शुरू में गेम लाया था तब, सारे पहले मैं घर अपने घर PS4 ले गया था, मैं सारे क्रॉस करके लाके दिए ब्रो, जैसे ब्लैक एक दो गेम थे। फिर उसके बाद ये फीफा खेलने लगा, ये सब खेलने लगा, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था। पर एक आदमी को जिंदगी में क्या चाहिए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। और वो आएगा, आने के बाद पूरा टाइम यहाँ ही गुजर है, बस नीचे से मामी उस आवाज लगाएगी खाना खाने के लिए, बस तब चला जाएगा, नहीं तो वापस यहीं। मेरे से भी मिलेगा तो बुलाएगा, भैया घर पे आ जाओ गेम खेल लेंगे। आज तक भी मेरी उसकी मुलाकात यहाँ बस गेम के लिए ही हो। बाकी नोएडा भी गेम ही खेल रहे हो, नोएडा आया था 3 दिन नहाया नहीं था, 3 दिन लगातार रचित के पीसी पर गेम खेलता रहा था। डाकर से चल आगे कंपटीशन, किसका ऊंचा बनेगा, पता लगा डाकर ने पतला सा एक कमरा बनाया ऊपर ऊंचा उठाने को। मैं तुमने यार इस गली में कहना तुमने छाप बगाई है, गली हट जाएंगे थारे पुत्ते गाली बगाएंगे तुम्हें। हमारे बाबा के बाबा को तो अगल थी नहीं, हमारा बाबा भी ऐसे ही लिख गया, पुत्ते यही रह जाएंगे। जैसे तुम्हारे काम है ना, यहाँ से बाहर नहीं निकलती कोई सी भी जनरेशन, इसी गली में फाटा है। और बता भाई क्यों आया वैसे, आज तो कोई भी नहीं आया। Okay. मिस्त्री नहीं आ रहे 2-3 दिन से, पेंशन नहीं आएगा बाबा की 2-3 दिन से काम रुक रहा है। दिवाली के बाद शुरू करूंगा, दिवाली के बाद 3 महीने तो खर्चा ज्यादा है। मालिक पटाखो में लगा दिया पोते ने, बाबा की पेंशन इस महीने सहारनपुर पटाखे में लग गई। छोटे को फोन कर, अभी चला था वो वहाँ से बैंक से अपने। अभी यूट्यूब फैमिली को एक चीज तो पता ही नहीं, मतलब इस हाइप में जो समझ रहे थे वो चीज तो अभी बाकी है, लोग कुछ और गेस कर रहे थे ना, वो भी तो अभी होना है। पर कल मजा आ गया, वर्थ इट थी देख हाइप तो, प्रोग्राम इस कदर था कि। और लेकिन अब यह है कि फ्लैट पर 2-3 दिन सन्नाटा रहेगा हमारे, कल जा रहा ना मैं। लेकिन पता तुझे क्यों, ग्रुप में तुमने तो मैसेज पढ़ लिया होगा, तो लोगों गाइस को भी तभी पता चलेगा, कहना दोस्तों को भी तभी पता चलेगा। बड़े किंग आ रहेगा, कैमरा देखते ही कैमरा देखते ही बड़े किंग एकदम मुड़ लिए, इस टाइम कॉन्टेंट हो सके कुछ भी इनको, ये निशरम कर रहे बड़े छोटू की। यो इतना आराम आदमी है, इसने मुझे फोन करा था जब मैं वहां था ना देहरादून, वो जब मैं नोएडा था ना, इसने मुझे फोन करा भाई एक हेलमेट है वहां रखा मेरा, वो जरूर ले आइए। मैं उस हेलमेट को लाया, 3 दिन से मेरी गाड़ी में रखा, मैं कहने लगा मगर क्यों नहीं ले रहा, कह रहा यार तू कहते ही ले आया हेलमेट, एक इतनी जल्दी थोड़ी लग रहे हैं, अभी तो उसके बहाने में 2-3 बार नोएडा जाऊंगा। मगर हर्ष को कहना था मुझे हेलमेट के लिए, वो छोड़ता 3-4 दिन बाद लगता वो, हमने ज्यादा जिम्मेदार आदमी हो कह दिया था। तुझे नहीं पता क्या नेक्स्ट ट्रिप पे कहाँ जा रहे, देख छोटा तो छोटा बालियान तो नहीं जा रहे, उनके तो वैलिड रीजन है, क्योंकि उन्हें मैंने टाइम पे एक काम करने को कहा था, वो उन्होंने अपना निपटाया नहीं, उसके बिना जाए नहीं जाने का। तो अब हम कितने किंग्स बच गए, 4 रह गए ना, 4 कंटेंडर है, वो 4 जा रहे, खर्चा भी कम हो गया। हम रुके हुए बस अक्षित की वजह से, क्योंकि अक्षित के पेपर कब खत्म है तेरे, 16 में पेपर खत्म है। खैर 16 तक तो नहीं रुक रहे, 16 से भी थोड़ा गया, नहीं तो महंगा पड़ जाएगा मामला। दिवाली तक तो रुक, दिवाली से पहले भी हो सके, लेकिन हो सके अनाउंस कर दूंगा मैं, वो तो आज मेक माय ट्रिप बतावे गोवा भी वो बताओगे आज की, पहले हो गया बाद में कई दिनों बाद। लेकिन आज माहौल सा बन रहा घूमने का, मैं बिल्कुल सही टाइम आया, तुम बिल्कुल सही टाइम मिले। ढाका गया जागरण में, वो भी अपने पैतृक गांव, पैतृक नहीं ननेरे, मात्र अच्छा। और शायद ये ढाका का पहला ही जागरण होगा, अटेम्प्ट किया हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट करा होगा। देख ढाका शादियों में बोरियत दिखावे, ढाका हाउस पार्टी में बोरियत दिखावे, ढाका क्लब में बोरियत दिखावे, ढाका जागरण में भी बोरियत दिखाओगा उसे, बस नुको UFC पता चला है, UFC में निकाल दूंगा। ऐसा हो रहा है ना किसी की माता सिरा जा रहा है, ढाका की माता सिरा किसी बात में ऐसी ना गया, पर ढाका का पहले ही हट रहा सिस्टम थोड़ा सा, मतलब तार वार हल्के ढिल्ले हटी जाएंगे अब, बैटरी के कैथोड पैथोड आयंस कौन से होंगे, एनोड कैथोड पे से हटी जाएगा अब तो तार, ढाका भी चोप ही लग जाएगा। तो अपने मंदिर पे तो आई गए हम, प्रसाद ले लें, क्या पियोगे, कैंपा, चलो भाई कैंपा निकाल दो, 3 सारे पी रहे क्या, यही दुकान वाले भैया भी इतना ट्रस्ट करे, इन्हें पूछते क्या लेना क्या नहीं, बस बजरा कहना, जो बजरा डिफेक्ट है कंजनी चाहिए पहले ही, नहीं तो दूसरी उठानी पड़ेगी। ये कोई खोल के चला गया हरामी कस्टमर, मुझे बहुत टाइम बाद जाकर पता चला था कि अगर ऐसे पियो तो इसमें कंचा अटक जा, नहीं तो कंचा यहाँ तक आ जाता था, निकले नहीं था कुछ। ये बात तो जब फर्स्ट टाइम 2-year-old ने पी थी ना मैंने, तब पता थी मुझे, नहीं जीभ से वैसे ही मैं इसलिए, क्योंकि हमारे बड़े होशियार थे, हमारे चाचू ने बता दी थी पहले ही, बाबू कंचा यहाँ अटकाओ, कंचे तो अभी भी अटका दूं पर
कहीं और अटका रहा। तो कल शादी देख के बग्गा भी हूँ गहरा नुगो, जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब लो और ब्याह हो। देख मजा हो है नहीं है नू बता किस चीज में, मतलब ऐसा ब्याह शादी के माहौल में जिसकी हो जा जी सा तो लगा ही रहे। मतलब हमारा तो जी लग ही रहा था पार्टिसिपेट करने में, पर पता नहीं जिसकी हो रही थी उसे लग रहा था या नहीं। नहीं मुझे तू और छोटा लक्ष्य बहुत तगड़े कंटेंडर लग रहे की कभी भी सरप्राइज मत फागा कर दोगे। मैं तो कैसे ही करूंगा बेटा, अरे नहीं दिख रही मुझे बग्गे तेरी शादी हो बता। मतलब नौकरी के कितने साल बाद लग रहा, 6 महीने भी नहीं पकड़ती जिस हिसाब से सोच। जैसी अवस की खोपड़ी अगले दिन भी नहीं पकड़ती कॉल लेटर से अगले दिन। छोटे का भी फोन आ गया, वो आ गया तो उसे लेने के लिए। अब अक्षित मलिक जा रहे हैं, अक्षित मलिक जी ने तो वही कर रखा काम शुरू। वो वेले पार्किंग नहीं होती वहाँ, सनू वेले कहंदे सानू की। मैं और बालियान आपस में थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे बालियान की छत पे, यही घूमगा वही चलते हैं। चलो मजा। मलिक साहब ने नवी नवी छत बनवाई अभी ढाकर से कंपटीशन में। मगा मलिक ने तो छत मिलाई थी ढाका से, नेक टू नेक कंपटीशन है मोल। मगा जेपी मलिक जी का हरपाल सिंह ढाका जी से एकदम नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। बात सही करो, मुझे भी कहूं दीवार से दीवार अड़ा के हटने रहे पीछे। देख टैंक धरा ऊपर, नुगो 1 इंच ऊपर ही रहे। हाँ देख ऊंचा बता, वो तो हरपाल ढाका जी इतने ऊपर चढ़ नहीं पा रहे। अगर तीसरी मंजिल पा के कंपटीशन देख लिया ना तो कुछ ना कुछ टावर लगवाना पड़े, चाहे यहाँ चाहे एफएम का टावर लगवाना पड़े। ऊंचा टावर है इस टाइम, जैन विलन में भी कोई बिल्डिंग मुझे दिख नहीं रही इतनी ऊंची। बड़ा डिस्कशन चल रहा है इस टाइम, ये चल रहा है कि किसकी घरवाली की बड़ी नौकरी होगी और वो कैसे मेंटेन करेगा। तो सबसे पहले छोटे लक्ष्य का टेक ये था कि भैया कैसे भी हो लड़की जो जॉब कर रही हो बस मेरे से ज्यादा सैलरी ना हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और अक्षित, हाँ अक्षित ने भी इस बात पर अग्री करा कि बेटी जहाँ अक्षित ने कहा कि जहाँ सैलरी ज्यादा हो वहाँ दिक्कत आ जा अगर लड़की की सैलरी ज्यादा हो। लेकिन सिग्मा मेल ने यूं कहा कि ज्यादा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ मेल ईगो नहीं आने चाहिए। और बड़े किंग ने तो सीधा यूं कहा, जहाँ वाइफ की सैलरी अपनी सैलरी से ज्यादा हुई सुबह सुबह झाड़ू पोछा उठा लो। बड़े किंग ने तो यूं कहा वाइफ की सैलरी ज्यादा ही होनी चाहिए। हाँ ज्यादा ही होनी चाहिए, हाँ अपना कुछ हो ना हो। हम तो झाड़ू मारने में परफेक्ट है, हम तो परफेक्ट है झाड़ू वाई पर जो भी कह करेगी। मैं तो नुगेरा पिट्टे भी करे करेगी दिन में एक बार। दिक्कत है सांझ को आई अपना मतलब से लगा बैठे। मुझे तो ऐसी टॉक्सिक ही चाहिए। टॉक्सिक कितनी हो, बस पहली तारीख को गाली गुली देगा मुझे 50,000 रुपए दे दिया पॉकेट मनी। पॉकेट मनी फिर मेरी तरफ तक कहीं घूम मैं कुछ ही करे ये सब तो नहीं। फिर तो बाबा की वाह दुनाली लिख दी कड़वाली दे आगे। तो भाई अडल्ट्री सपोर्टेड नहीं है, अडल्ट्री सपोर्टेड नहीं। देख सही कह दिया किंग ने, मौज ले मस्ती ले फीमेल फ्रेंड्स के साथ नहीं। मेल फ्रेंड से कोई ये इतना खुलापन नहीं आ पाने का। जब चौधरी साहब झाड़ू लगा रहे तो और तो मैं घुलो मिलो बस किट्टी चाहे रोज की खेल ले दो। चने का सही में जा रही वो क्या, कहाँ जा रही? अपने दोस्तों सही में जा रही हो? दोस्तों के साथ ही भेज दूंगा परमानेंट। फिर तेरा क्या होगा बता। मेरा उसकी तो जॉब है, सेकंड मैरिज उसकी तो जॉब है, सेकंड मैरिज नहीं होगी। फिर वो है बाबा का ऐसा ट्रैक्टर ऑन कर दिया जाएगा। एलिमनी लूंगा बच्चे पालने के लिए आधी सैलरी लूंगा। बता बस एक ही चीज बर्दाश्त नहीं, आशी की शादी के बाद जारी बर्दाश्त नहीं। नहीं तो दोस्ती और आशिकी को कैसे मिला रहा तू? दोस्ती नहीं ये कुछ नहीं, ये डिफरेंशिएशन नहीं। फिर तो बेल्ट है जिद्दी। फिर बेल्ट करेगी फैसला, दोस्ती थी क्या थी? अच्छी सोच नहीं क्या मेरी, उच्च विचार नहीं। इस समाज में मैं एक बहुत अच्छा विचारधारा रखने वाला व्यक्ति हूँ। अगर मैं एक किताब लिख दूं मेरी प्रिय पत्नी करके तो काफी मर्दों के घर बच जाएंगे। ऐसा लग रहा है जितने के बस रहे उनके। नहीं यार मैं किसी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ना औरत को ना आदमी को। हमें तो आज सांप पखुआ होगा वो फोल्डिंग गार्ड ले इस पे पड़वा बस हो गया था के बाद आज दोबारा बनवा दिया यार। अरमन कह रहा चाय बन जा। क्वीन कहाँ है? क्वीन कहाँ है? बालिया ने बनेगा 3 कप समोसे भी बताओ पर लावा कौन? छोटू नहीं जाता वहाँ तक, साइकिल पे भी नहीं जाता हो। अरे मैं लेमा 2 मिनट ये है देख, आज मैं आया बड़ा भाई हो, छोटे भाई को समोसे लेने भी नहीं भेज रहा। समोसे मिलने के भी नहीं अभी। अरे एक जगह मिलेंगे अभी, लम्बा देख कितने स्वाद समोसे। ये हो हीरे लड़के, ये देख ले क्या हो जा रही लग रहा होगा। अरे गेम खेल रहा आज 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 वो तो गेमर बैंक लोग दिखते हैं। थोड़ा थोड़ा डेरी भारी होते जा रहे बड़े ना कर रखे दिन पे। तुझे अपनी लाइफ पार्टनर थोड़ी स्लिम ट्रिम चाहिए या थिक? बात मान ले क्या है उनको, मैंने तेरा डीप गला पसंद नहीं वाली। दर्राटे काट रही है आज। अब भी सीओसी खेल रहा क्या? ये रहा भाई इसका सीओसी, एक्स्ट्रा भी लाया लड़का, समझ गया था मेरी प्यास, समझ गया था वो दही भी लेने जा रखा वो। बताओ जब तो इसके बालक हमारे से सोने होंगे, पुण्य का हमारा इस टाइम बच्चों में डाल रहा।
ले लो अपना अपना। हवा भी ऐसी नहीं कर रहा कोई, ऐसी मस्त हवा चल रही, कैसे दिखाऊं पर हवा को? हवा को तो साड़ी को दिखा भी नहीं सकते। नेचुरल ठंडी हवा जैसा तो कोई चीज ही नहीं होती। ऐसा जी कर रहा कच्ची काट के टांग दू किसी लौट जाओ काट डाल के। तो गाड़ी हमें सड़क पे ही पार्क करनी पड़ी क्योंकि किसी बहुत ही जनरस पड़ोसी ने इस ताले के अंदर LFC डाल दी और ये ताला फ्रीज हो गया तो ये खुल नहीं रहा। तो अभी एक्सिट लाया थोड़ा, किसी पे गलती से हो गया होगा। हाँ वो गलती से घुमा के इसके अंदर वो ऐसे जमा दी होगी पूरी LFE, वो पैर स्लिप हो गया होगा। और पिछली बार भी हुआ था, दूसरी बार गलती से हुआ है यार। इस बार इस मोहल्ले में फट्टा ट्रीटमेंट करने वाला मूसली बजेगी मूसली इस पे नहीं बजने की, कम नहीं बजेगी, इंडिविजुअल के बजेगी किसी। अच्छा सारे गलत कामों को मैं क्यों दिखूं था, मैं ताला तोड़ तू चोर चार था क्या बोलते ताले तोड़ तो फिरे। अगर इसमें आग लगाई जाए हाँ। तो ये पिघलने की नहीं। हाँ पिघल सके, मैं ये भी कह रहा था कि तेल से पिघल जाए। अगर तेल से तो नहीं बेटी पिघला, कभी लोग नहीं पिघला, सांडे का तेल पिघला सके। सांडे के तेल के साथ कुछ और भी तो देना पड़ेगा। मार दो क्या? मार भाई जो तू। अरे भाई रे देखो पुलिस बुला लूं क्या? UZ+ है यू नील रहा साले का लू घोर बिगाड़ दिया ले भाई घर से कर दे डॉग को देख यार वो बेचारा प्रोटेक्शन कर रहा हमारी जब एल्फी गिर रहा था जब इसने थोड़ी गिरी हाँ जब भोंकता जब एल्फी गिरता। अरे एक लेडी तो पटी अभी ये छोटे मोहल्लों में रहना है बड़ी सोसाइटी में होता पोर्श BMW पार्क होती जहाँ पे जिस गली में मारो तो ये गाड़ियाँ दिख गई ना उससे मुड़ लो यार क्या करा जाओ देख काफी तो टूट गया लगा रहे टूट जा रहा देखो वो बजारा युद्धी चोर चार था भाई। ओ भाई भाई तू तो यार हमारी गाड़ी चोरी कर लेगा इस तरह बजमन ही आगा फट्टा किसी दिन नहीं जब भी खोई रखी तेरी एक वो मेरे पर यार हम डंका डालना शुरू कर सकेंगे जबकि एक अच्छी टीम बनाऊंगे पन्ना के मैं पीछे से चीयर अप करता रहूंगा तुझे व्लॉग बनाता रहिए तू फैमिली भी देखेगी क्या कर रही है थाने में भेज दिया करूंगा वीडियो बना फाइनली गेट तो खुल गया और गाड़ी भी अंदर होगी। अबे यो स्विफ्ट किसकी है भाई? अरे ये किसकी गाड़ी? किसकी बंद कर रखी तुमने? LFE भी लगवा रखी है यो ताले के अंदर किसने बंद कर रखी है अपनी गाड़ी? कोई रिलेटिव भी नहीं आ रहा। अरे यार हमें तो पता नहीं क्या ही चल रहा है सर।